जी हाँ किसान भाइयों, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है वो निकल करके सामने आ रही है। और जैसा कि हमारे किसान भाई धान खरीदी के समय जो उनसे बारदाना लिया गया था, तो उनके पैसे के भुगतान के बारे में कमेंट सेक्शन पर हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सरकार कब उनके खातों में बारदाने का पैसा है वो जारी करेगी। तो बारदाने के भुगतान को लेकर के एक नई अपडेट है, वो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि किसानों को उनके बारदाने का पैसा है वो कब मिलेगा। तो चलिए हम आपको ये सारी अपडेट आपको बताते हैं, तो वीडियो पर पूरे अंत तक बने रहिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए भुगतान को लेकर के क्या अपडेट जारी किया है राज्य सरकार ने, हम आपको बता दें कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन से ही किसानों को अपने बारदाने में उपार्जन केंद्रों में धान लाकर विक्रय करने की छूट ने राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी करने में बड़ी मदद की है। और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बारदाने की कीमत को 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग किए जाने के निर्णय ने भी किसानों को उत्साहित किया। पिछले वर्ष किसान परेशान थे कि 18 रुपए में ही उन्हें अपने बारदाने हैं वो देने पड़ रहे हैं, जिसको बढ़ा करके इस वर्ष 25 रुपए है वो किया गया। आपको बता दें कि किसानों द्वारा धान उपार्जन के लिए अब तक 2,55,00,000 नग बारदाने धान खरीदी के लिए केंद्रों में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका 25 रुपए प्रति नग के मान से कुल राशि जो बनती है वो बनती है 6,361,28,00,000 रुपए। तो ये तो हो गई केवल बारदाने की राशि। अब मुद्दे पर आते हैं कि बारदाने का जो भुगतान है वो किसानों को कब जारी किया जाएगा। तो ये भी आपको बताते हैं किसान भाइयों कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा उपार्जित धान के साथ साथ किसानों को बारदाने की राशि के भुगतान के लिए यह राशि जारी की जा चुकी है। जी हाँ, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा है उनके द्वारा भुगतान की राशि है, बारदाने की जो भुगतान की राशि है वो जारी कर दी जा चुकी है। तो आपको कैसे मिलेगा जो बारदाने की राशि, ये प्रोसेस भी आपको बताते हैं कि समितियों को किसानों को बारदाने की राशि का भुगतान धान के भुगतान के साथ साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, जैसे ही आप अपना धान है वो विक्रय करते हैं अपनी सहकारी समितियों में, तो जैसे ही आपका धान का पैसा जो आता है उसके साथ साथ आपका बारदाने का पैसा है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। यानी धान का पैसा और बारदाने का पैसा दोनों आपका साथ साथ आएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनका अलग से दिया जाएगा, ये दोनों राशि है वो आपके खाते में एक साथ आएगी। तो आपको जैसे धान का जो राशि होता है उससे एक्स्ट्रा जो राशि आपके खाते में आ रही है, तो उससे आप समझ जाइए कि ये आपके बारदाने का पैसा है। तो जितना आपने बारदाना दिया है उसमें प्रति नग 25 रुपये की दर से बारदाने की राशि आपको राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें किसान भाइयों कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ के किसानों से समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत है वो की गई, और राज्य में धान खरीदी के लिए 5,25,000 गठान जूट बारदाने की आवश्यकता थी, परंतु भारत सरकार एवं जूट कमिश्नर से राज्य की आवश्यक एवं मांग के अनुसार बारदाने की आपूर्ति न होने के कारण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से अपने बारदाने में धान लाकर बेचने की अनुमति दी, और बारदाने का जो मूल्य है वो पहले 18 रुपए है उनसे बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग कर दिया। और किसान ये भी सोच रहे थे कि हमें अपना बारदाना क्यों देना पड़ रहा है, पहले तो नहीं देना पड़ता था। तो यही कारण है जिस कारण से अपने किसान भाइयों को अपना बारदाना है वो देना पड़ रहा है। इसका सार्थक परिणाम ये है कि राज्य में किसानों द्वारा अब तक अपेक्षा के अनुरूप धान खरीदी के लिए बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं। अगर केंद्र सरकार से बारदाने उपलब्ध नहीं होता तो धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो धीमी रूप में होती। तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों से बारदाने के लिए अपील की, और धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो जोरों शोरों से भी चल रही है। आपको बता दें कि अब तक 46,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी है वो इस वर्ष हो चुकी है, और राज्य सरकार ने 105,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस वर्ष रखा है। तो चलिए, हमारे किसान भाइयों के लिए अब खुशखबरी है कि बारदाने का पैसा उनके खातों में अब आने लगेगा। यही एक चिंता का विषय था कि राज्य सरकार बारदाने का पैसा कब जारी करेगी, क्यों जारी नहीं कर रही है, तो इनका भी निराकरण है वो हो चुका है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतने। किसान भाइयों, अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।